हेलो बच्चों, तो अभी इस वीडियो के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जो नीट 2023 की जो कट ऑफ थी वो उसका डेटा देखेंगे और उस हिसाब से बेटा हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएंगी या एक अंदाज़ा बताया जाएगा। और वैसे ही बेटा जब आप देखोगे तो आप एक अंदाज़ा लगा ही लोगे कट ऑफ में क्या बढ़ोतरी इस बार होने जा रही है या वही सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी। ठीक, तो इसके अंदर लड़का और लड़की बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट ये रहने वाली है वीडियो। ठीक है, इसके अंदर दोनों के डेटा के बारे में बताया जाएगा कि लड़कियों का कितने मार्क्स पर हुआ था और लड़कों का किस मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। लेकिन बेटा उससे पहले बेटा एक चीज़ याद रखना कि जब जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाती है तो वहाँ की रिजर्वेशन की जो टर्म्स हैं वो कुछ अलग तरीके की हैं, क्योंकि बेटा हर स्टेट यूनिक होता है। वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन का रहने का तरीका अलग होता है, कल्चर अलग होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उस हिसाब से रिजर्वेशंस दी जाती हैं ताकि सब मेन लाइन में चल सकें। तो बेटा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर मैं OM बोलूँ, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, उनका फुल फॉर्म आगे मैं शॉर्ट फॉर्म ही बताऊँगा, आप समझ जाना। अगर OM बोलूँ तो आप समझना ओपन मेरिट। ठीक, अगर SC बोलूँ तो शेड्यूल कास्ट, STL बोलूँ तो इसका मतलब है शेड्यूल ट्राइड लेह लद्दाख वाली शेड्यूल ट्राइब। अब STK बोलें तो इसका मतलब आप समझना शेड्यूल ट्राइब ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, K4 कारगिल आ रहा है इसमें। ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब हुआ, PSP का मतलब हुआ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, वो लोग जो पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अगला OSC का मतलब हुआ वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, जो कि बेटा अंडर प्रिविलेज क्लासेस के अंदर आते हैं वो OSC। एंड RBA का मतलब है रेसिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, RBA। ALC का मतलब हुआ रेसिडेंस ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो एरियाज है वो। CDP का मतलब हुआ चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल्स। ठीक है, SP का मतलब हुआ कैंडिडेट जो कि किसमें है बेटा, आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी दिखाई है जिन्होंने स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स कोटा कह सकते हो बेटा इसे। JKPM का मतलब हुआ चिल्ड्रन ऑफ स्टेट पुलिस पर्सनल्स। ठीक है, PNP का मतलब हुआ पुअर्ड एंड बैकवर्ड फैमिलीज। एंड EWS का मतलब हुआ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, अब इसी के साथ बेटा चालू करते हैं डेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर बेटा मेल ओपन मेरिट OM, मेल OM के अंदर जो बेटा एडमिशन हुआ था थर्ड राउंड में जाकर जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था बेटा 596 मार्क्स पर। ठीक है, ये स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की बात करूँगा मैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर OM, मेल OM कैटेगरी में 596 मार्क्स पर बेटा एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। तो और वो कहाँ हुआ था, JMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में एडमिशन हुआ था। तो बेटा एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार जो है OM का कट ऑफ वैसे ही बढ़ने वाला है, क्योंकि नई रिजर्वेशन पॉलिसीज जो आई हैं। क्या बेटा, लो, जो नई रिजर्वेशन पॉलिसीज आई हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसीज के हिसाब से इस बार OM का रिजर्वेशन घटाया गया है, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो बेटा पिछले साल ही 596 थी, तो इस बार 600 प्लस ही जाने वाली है, 610-620 के आसपास भी जा सकती है अगर इस बार बेटा रैंक हाई रही, बच्चों के कट ऑफ आई। तो फिर भी आप एक सेफ स्कोर अगर जानना चाहो OM कैटेगरी मेल के लिए तो वो होने वाला है 610 नंबर के आसपास ही सेफ स्कोर होगा, इससे नीचे सेफ मुश्किल है बेटा। ठीक है, अगला देखो, मेल CDP में जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था बेटा वो 588 नंबर पे हुआ था, आर मतलब राउंड वन के अंदर ही एडमिशन हो गया था और GMC उधमपुर मिला था बेटा। तो ये याद रखो कि इस हिसाब से इस बार अगर कट ऑफ बढ़ भी जाता है तो 5 नंबर का ऊपर नीचे आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है मेल RBA, और ये सारी फुल फॉर्म्स मैं शुरू में बता चुका हूँ, तो बेटा उसको ध्यान से सुनना था पहले। तो RBA के अंदर 572 मार्क्स पर, वो भी राउंड 2 में जाकर एडमिशन हुआ था। तो इस बार भी जो कट ऑफ होगी वो 10 नंबर बढ़ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो सेम रहेगी बस, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था बेटा JMC उधमपुर के अंदर उस बच्चे का। मेल OSC कैटेगरी के अंदर 539 मार्क्स पर बेटा राउंड 1 में ही एडमिशन हो गया था काउंसलिंग के, और JMC उधमपुर मिला था, और JMC उधमपुर जब मिला था बेटा राउंड 1 में मिल गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेटा जब राउंड 1 के अंदर ही 539 पर एडमिशन हो रहा है तो इस साल भी अगर कट ऑफ बढ़ भी जाता है तो 5 या 10 नंबर का ही फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फीमेल्स की बात करें बेटा तो फीमेल OM ओपन कैटेगरी फीमेल की बात करें तो बेटा पिछले साल एडमिशन 538 मार्क्स पर राउंड 2 में जाकर हुआ, और वो हुआ बेटा
जीएमसी उधमपुर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में हुआ बेटा। तो याद रखना कि इस बार भी बेटा कट ऑफ अगर बढ़ती है तो वो कट ऑफ बढ़ने के बाद 550 या 560 जा सकती है, 560-550 सेफ स्कोर मानना फीमेल ओएम के लिए। अब फीमेल सीटीपी की बात करें तो 534 मार्क्स पर राउंड वन में एडमिशन हो गया था लास्ट ईयर, तो इस बार अगर बढ़ी तो 5 नंबर 10 नंबर ऊपर रख लेना बस, अगर कट ऑफ बढ़ती है तो। अगर बेटा कट ऑफ नहीं बढ़ती, पिछले साल वाली रहती है, तो ये सेफ स्कोर के अंडर ही मानना 540 हो, ठीक है। जीएमसी हंदवारा मिला था बेटा लास्ट ईयर बच्चे को। मेल एसपी कैटेगरी के अंदर 532 मार्क्स राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था बेटा, ठीक है। तो मिला था जीएमसी उधमपुर बेटा, जीएमसी उधमपुर मिला था। तो उधमपुर की बहुत सारे ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं ऊपर से ही मुझे, ठीक है। अब फीमेल आरबीए कैटेगरी के अंदर 491 मार्क्स पर राउंड टू में जाकर एडमिशन हुआ था और जीएमसी उधमपुर मिला था। इसका मतलब समझ लो कि राउंड टू में जाकर जीएमसी डोडा में एडमिशन हुआ था 491 मार्क्स पर फीमेल आरबीए कैटेगरी में। तो इसका मतलब ये समझ लो राउंड टू में जाकर हुआ था, तो मतलब राउंड वन में नहीं मिला होगा, और राउंड टू में जाकर मिला है, तो इसका मतलब अगर इस बार बढ़ी भी तो 495 हो जाएगी या 500 हो जाएगी, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, ठीक है। मेल पीएसपी कैटेगरी के अंदर 488 मार्क्स पर बेटा लास्ट ईयर राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था बच्चे का, जीएमसी उधमपुर मिला था उसको, ठीक है। तो इस बार अगर बढ़ भी जाती है कट ऑफ, अगर बढ़ती है तो वो रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा। अगर ये रिजल्ट के बाद आप वीडियो देख रहे हो, और आप देख लेना बेटा इस बार अगर रैंकर ज़्यादा है, इस बार कट ऑफ बढ़ने के चांस हो गए, जो कि बेटा है नहीं। पेपर ईजी था, मैं मानता हूँ पेपर ईजियर साइड पर था, लेकिन फिजिक्स इतनी ईजी नहीं थी, जो फिजिक्स का पोर्शन था वो इतना इजी नहीं था, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा हायर एंड पे था, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चे जो बायो में स्कोर करेंगे वो फिजिक्स में लो स्कोर पर रहने वाले हैं, ठीक। अब फीमेल एसपी कैटेगरी की बात करें तो 451 मार्क्स पर लास्ट ईयर राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था, जीएमसी कठुआ मिला था बेटा, और इसका मतलब अगर बढ़ भी गया तो 450-460 के बीच में लेकर चले। मेल आरबीए कैटेगरी में 442 मार्क्स पर बेटा लास्ट ईयर राउंड वन में ही एडमिशन हो गया, जीएमसी डोडा मिला, और अगर बढ़ेगा तो 5 नंबर 10 नंबर ऊपर रख लेना, बस इससे डाउन तो नहीं जाने वाली बेटा। अब फीमेल ओएससी कैटेगरी के अंदर बेटा 431 मार्क्स पर एडमिशन हो गया, राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था, तो जीएमसी उधमपुर मिला, तो वही अगर बढ़ भी गई तो 440 और सेफ स्कोर बोलो तो 450, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फीमेल एसटी कैटेगरी में 430 नंबर पर राउंड थ्री में जाकर एडमिशन हुआ, तो सेफ स्कोर 450 रख सकते हो इस बार 2024 में, जीएमसी उधमपुर में एडमिशन हुआ था, ठीक है। मेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राउंड वन में जो एडमिशन हो गया था बच्चे का, 423 मार्क्स थे उसके, ठीक है, जीएमसी उधमपुर उसको मिला था। मेल एसटी कैटेगरी की बात करें तो 421 मार्क्स पर एसटी कैटेगरी में राउंड थ्री में जाकर एडमिशन हुआ था पिछले साल, जीएमसी उधमपुर में ही हुआ था। तो बेटा याद रखना इस बार जो अगर कट ऑफ बढ़ती है तो ये बढ़कर 430-40 के आसपास ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। फीमेल एससी कैटेगरी के अंदर बेटा 420 नंबर पर 420 नंबर्स पर राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था, तो इस बार अगर कट ऑफ बढ़ती है तो आप 5 मार्क्स 10 मार्क्स ऊपर रख के 430 को सेफ स्कोर ले सकते हैं, जो कि जीएमसी हंदवारा के अंदर बच्ची का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर। फीमेल कैटेगरी पीएसपी के अंदर बेटा 418 नंबर 418 मार्क्स पर राउंड थ्री में जाकर एडमिशन हुआ था बेटा, जीएमसी डोडा मिला था उसको। तो अगर इस बार पीएसपी कैटेगरी फीमेल है तो बेटा अपना सेफ स्कोर 420-430 के आसपास मान के चलना, ठीक है। फीमेल एएलसी कैटेगरी के अंदर 406 नंबर पर 406 मार्क्स पर राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था, जीएमसी डोडा मिला था बेटा। तो सेफ स्कोर में वही है जो मैं स्कोर पिछले साल का बता रहा हूँ, इस बार कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बेटा इतने नहीं है, 50-50 चांसेस। तो अगर बढ़ भी गई तो 5 नंबर ऊपर रखकर चलना, 5 या सेफ साइड जाना चाहते हो तो 10, इससे ज्यादा का फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। मेल एससी कैटेगरी की बात करें तो 397 पर राउंड वन में लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था, ठीक है। तो वही यही आपका सेफ स्कोर इस बार भी रहने वाला है, 400 को कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है। जीएमसी हंदवारा मिला था बेटा। फीमेल एसटी कैटेगरी के अंदर 369 मार्क्स पर राउंड वन में एडमिशन हो गया था, जीएमसी डोडा मिला था। अगर सेफ जोन में जाना चाहते हो तो 375-380 सेफ स्कोर रहने वाला है इस साल के लिए। फीमेल सीडीपी कैटेगरी के अंदर 346 मार्क्स पर राउंड टू में जाकर एडमिशन हुआ था, तो आप बेटा 350-360 मार्क्स को सेफ स्कोर के में कंसीडर कर सकते हैं। इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, एडमिशन बच्ची का हुआ था जीएमसी डोडा में। अब बेटा बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की, किसकी,
बेटा हर बार मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को शुरू में रखता हूँ, इस बार मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन पिछली बार जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों के बहुत ज़्यादा नॉर्मल कैटेगरीज से थे, तो उनके जवाब देना ज़रूरी था। अब बेटा मैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं। तो लास्ट ईयर बेटा ओपन मेरिट के अंदर जो मेल बच्चा जिसका एडमिशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हुआ है वो हुआ था 353 मार्क्स पर, राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था। तो सेफ स्कोर की बात करें तो 350 नंबर सेफ स्कोर रहेगा इस बार भी। लेकिन बेटा इस बार बस ये दिक्कत हुई है कि ओएम का जो ओपन मेरिट है बेटा उनका रिजर्वेशन घटाया गया है, तो घटाने की वजह से हो सकता है कि 10 नंबर का और एक्स्ट्रा फर्क पड़े, बस ये होगा। ठीक है, जीएमसी उधमपुर मिला था बेटा बच्चे को लास्ट ईयर। अब मेल आरबीए पीडब्ल्यूडी, आरबीए प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बेटा 340 मार्क्स पर राउंड वन में ही एडमिशन हो गया था। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के ज़्यादातर एडमिशन राउंड वन में ही हो गए हैं लास्ट ईयर भी। ठीक है, तो सेफ स्कोर भी मान के चलो, तो आरबीए कैटेगरी है तो बढ़ने वाला नहीं है, कोई 300 प्लस पे आप हो कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं आरबीए कैटेगरी प्लस पीए फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं। तो जीएमसी जम्मू मिला था बेटा लास्ट में। फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात करें, बीच में आ गया ईडब्ल्यूएस, तो मैं बता देता हूँ बेटा उसको मिस नहीं करेंगे। तो फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 325 मार्क्स पर राउंड वन में ही जीएमसी राजौरी मिल गया था लास्ट ईयर 2023 की बात कर रहे हैं। तो आप ट्रेंड लगा लो कि 330-340 सेफ स्कोर रहने वाला है इस साल 24 के लिए। अब फीमेल एससी कैटेगरी प्लस पीडब्ल्यूडी, एससी प्लस पीडब्ल्यूडी बेटा 284 मार्क्स पर लास्ट ईयर 2023 में एडमिशन हुआ था, राउंड वन में ही हो गया था, जीएमसी उधमपुर मिला था, तो यही सेफ स्कोर भी रहने वाला है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है कट ऑफ लड़कियों के लिए अगर वो एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, तो अगर वो 280-300 के बीच में है तो सेफ स्कोर माने आपको एडमिशन मिल जाएगा बेटा जम्मू कश्मीर में। फीमेल ओपन मेरिट कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी लास्ट ईयर 271 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था बेटा राउंड टू में जाकर, तो आप ये कह सकते हो ओएम की कैटेगरी में थोड़ा सी कट ऑफ बढ़ने के इस बार चांसेस है, तो बढ़कर वो कट ऑफ बेटा 10 नंबर एक्स्ट्रा हो सकती है। तो 280 को इस बार अपना सेफ स्कोर मान के चलना फीमेल ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी के अंदर। लास्ट ईयर बच्ची को 271 नंबर पे ओएम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जीएमसी कठुआ मिला था। ठीक है, अब मेल की बात करें तो एएलसी प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बच्चे को 264 मार्क्स पर एडमिशन मिल गया था राउंड वन में ही, जीएमसी जम्मू मिल गया था बेटा। ठीक है, तो इस बार भी ये कुछ बदलने वाला नहीं है सिनेरियो, 250 नंबर या 250 के ऊपर है, 270-250 के आसपास हो आप तो आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एएलसी हो तो मिलने के चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा एक गवर्नमेंट सीट जम्मू कश्मीर में। अब मेल ईडब्ल्यूएस प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो 208 मार्क्स पर एडमिशन हो गया था। ठीक है, अब राउंड वन में ही हो गया था, और तो इस बार बात करें तो इस बार भी कुछ ज़्यादा सिनेरियोज बदलने वाले नहीं हैं। अब सेफ स्कोर की बात करें तो 200 प्लस हो आप तो एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। अब फीमेल एसटी कैंडिडेट प्लस पीडब्ल्यूडी, एसटी विद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 173 मार्क्स पर लास्ट ईयर एडमिशन मिल गया था राउंड वन में, जीएमसी रजौरी मिला था, तो इस बार भी बेटा सिनेरियो बदलने वाला नहीं है एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, इसे ही अपना सेफ स्कोर मानकर चल सकते हो। अब बेटा मैं कुछ ऐसे बच्चों की बात करने वाला हूँ जिनको बहुत कम नंबरों पर भी लास्ट ईयर एडमिशन स्टेट कोटा में मिला था जम्मू एंड कश्मीर में, वो सुन लो। फीमेल ओएससी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के साथ बेटा बच्ची को राउंड वन में 160 नंबर पे 160 मार्क्स पर जीएमसी श्रीनगर मिल गया था। मेल सीडीपी बच्चा जो था राउंड टू के अंदर 152 मार्क्स पर जीएमसी जम्मू मिल गया था। फीमेल एससी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, एससी प्लस पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट राउंड टू में 155 मार्क्स पर बेटा जीएमसी कठुआ मिल गया था। राउंड वन में ही बेटा बच्चे को पिछले साल लड़का है मेल कैटेगरी एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी, तो जो भी सुन रहे हो ध्यान दे कैटेगरी पे, एसटी प्लस पीडब्ल्यूडी में 140 मार्क्स पर लास्ट ईयर जीएमसी उधमपुर अलॉट हुआ है बच्चे को। और फीमेल JKPM प्लस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर लड़की को राउंड वन में 130 मार्क्स पर 130 मार्क्स पर जीएमसी डोडा मिला है। तो बेटा आई थिंक आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा होगा पिछली बार के कंपैरिजन में, और इस बार का जो हमने ट्रेंड की बात की और जो सिचुएशंस की बात की, अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्प करें एडमिशंस में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिनको इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ये इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ, और जो भी आपकी हेल्प होगी करने की पूरी कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, मिलते हैं अगली वीडियो में।